तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दे आज आप लेके आए हूँ सुजुकी हयात जो है 110 सीसी वेरिएंट। आज हम करने वाले इसका माइलेज और देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है सुजुकी हयात। अगर दोस्तों इसकी जो बाइक की खासियत है, क्या इसमें प्लस पॉइंट है, अगर ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ आपको इसका रिव्यू मिल जाएगा जिसमें आपको सारे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे इसके। ठीक है, कुछ फीचर्स में मिलते हैं। हम इसमें जो कार्बोरेटर का फ्यूल है उसको पूरा जलाएंगे। हमने अभी इसके कार्बोरेटर से कनेक्ट तो कर दिया लेकिन जो फ्यूल लाइन है वो ऑन नहीं किया। पहले इसका जो कार्बोरेटर में जितना भी फ्यूल है वो जलाएंगे, फिर हम इसका जो एडिशनल फ्यूल है वो ऑन करते हैं। तो चलिए दोस्तों राइड को शुरू करते हैं और देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है सुजुकी हयात। जो कार्बोरेटर का फ्यूल था वो पूरा ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं आपको ऑन करके बता देता हूँ। ये ऑन नहीं हो रही है, देखो दोस्तों ये ऑन नहीं हो रही है। अब मैं जो इसका एडिशनल फ्यूल है 100 ml हमने ये लिया था, आप देख सकते हो 100 ml फ्यूल है, इसको ऑन कर देते हैं और मीटर रीडिंग बता देता हूँ। ये है रीडिंग, आपको बता देता हूँ, ये चली है 3.9 किलोमीटर। अब देखते हैं 100 ml फ्यूल में ये कितनी चलती है। ये था 3.9, अब चलिए 10.5, तो इसने दिया है 6.6 100 ml में, तो ये अब चलेगी 1 लीटर में 66 किलोमीटर। अगर 110 cc के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक दिया है, ना ज़्यादा दिया है ना कम दिया है। इस हिसाब से अगर इस बाइक को आप परचेज करते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा रीज़न है इसकी माइलेज का, पिकअप का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सुजुकी हयात ने ठीक ठाक माइलेज दिया है, ना इतना ज़्यादा अच्छा दिया है ना ख़राब दिया है। ये एक मिडिल रेंज है 110 cc के हिसाब से माइलेज के लिए। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आई होप आपको ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।